अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं जुनैद खान। मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद खान, मेरे को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3 मैचेस के जो वनडेज हो रहे हैं उसके लिए भी टीम अनाउंस कर ली है और काफ़ी चेंजेस हुए। लेकिन उससे पहले जो और है ना उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि 2012 जो है वो भी हमने पूरे होम सीरीज में कोई मैच नहीं जीता है, और अभी 2023 में एक ही मैच था और वो भी ऐसा लग रहा है कि वो भी हार जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम खेले हैं या जिस तरीके से हम खेल रहे हैं, क्योंकि अभी 319 रन का टारगेट है और 2 हमारे आउट है 0 पे। लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारी जो अप्रोच है वो किस तरह है, क्योंकि विकटों से लेके सेलेक्शन से लेके खेलने तक हर शोबों में जो हमारा अप्रोच है वो निगेटिव है। निगेटिव ऐसे है कि आप पिछले सीरीज में भी उठा के देख ले कि भाई अंदाज़ा लगा ले, जो अवे के लाइक ऑस्ट्रेलिया थी उन लोगों ने भी डिक्लेयर किया, इंग्लैंड थी वो भी डिक्लेयर कर रहे थे, अब न्यूजीलैंड जो है वो भी डिक्लेयर कर रहे हैं। हम डिक्लेयर नहीं कर रहे, हमारे होम कंडीशन है, होम सीरीज है, हम डिक्लेयर नहीं कर रहे, वो भी एशियन टीम के अगेंस्ट नहीं, उन टीमों के अगेंस्ट जो स्पिनर्स पे स्ट्रगल करते आ रहे थे। सो ये हमारी हालत है और हमारी क्रिकेट जो है वो यहाँ तक पहुँची। ये कैसे पहुँची, इसका जिम्मेदार कौन है, वो तो कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, क्योंकि जब जीतते हैं ना तो हर कोई यही कहता है कि भाई क्रेडिट लेता है, लेकिन जब हारता है ना तो फिर कोई ये नहीं कहता, या अगर कोई प्रॉब्लम हो तो किसी के पास फिर सोल्यूशन नहीं है। सो ये चीज़ें जो है ये हर्ट करने वाली होती है, और इसी से आप देख ले, आप अंदाज़ा लगा ले, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी तो क्राउड कितना था, फिर जब इंग्लैंड की टीम आई थी तो पहले एक दो मैच में कितना क्राउड था, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्राउड आना बंद होना शुरू हो गया। अब कराची में आप देख ले कि पहले मैच में भी क्राउड नहीं आया, दूसरे में प्री एंट्री थी लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। उसका रीज़न ये है कि जब टीमें जीतती नहीं है होम सीरीज में तो कोई नहीं आता, लोग कहते हैं कि यार प्लेट विकटें ये वो है, तो उसी वजह से नहीं आ रहा। अगर प्लेट बिकते हैं तो उसमें तो फिर बाउंड्रीज लग रही है, फिर तो क्राउड को ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन क्राउड इसलिए नहीं आ रहा कि जब आप होम कंडीशन में हारते हो, आप होम कंडीशन में स्ट्रगल कर रहे हो, तो क्राउड का वो मज़ा नहीं आता, वो उस तरीके से चेयर नहीं कर सकते, अपने टीम को बैकअप नहीं कर सकते, तो इसलिए क्राउड जो है वो नहीं आता। सो ये चीज़ें मेरे ख्याल में कि इसी वजह से जो है वो क्राउड नहीं आ रहा। अब क्राउड तब आएगा जब हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम अच्छा परफॉर्म कब करेंगे, हम अच्छा परफॉर्म तब करेंगे जब हमारे होम कंडीशन हो गए, वो उसकी विकटें जो है वो हम अपने हिसाब से बनाएंगे। जिस तरह कहा था कि भाई दूसरे टेस्ट में जो है वो बॉल स्विंग होगा, सीम होगा, बॉल्स होगा, वो पहले मैच से भी वो विकेट जो थी फारिग विकेट थी, क्योंकि बॉल गिट्टों से बिल्कुल ऊपर ही नहीं आ रहा था। पहले में फिर भी अगर कोई तगड़ा बॉलर जोर लगाता था तो बॉल आ जाता था, इस पर जो है वो गिट्टों से ऊपर ही बॉल नहीं आ रहा था। नसीम शाह बेचारा 145 में बॉल कर रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे वो 120 में कर रहे। सो ये चीज़ें जो है इसी वजह से जो है वो क्राउड को भी हर्ट करते हैं, जो देखने वाले होते हैं टीवी पे उनको भी हर्ट करते हैं। सो अभी देखते हैं, क्योंकि 2022 भी हमारा होम का जो विनिंग रेशो था वो 0 था, और यहाँ पे भी ऐसे ही लग रहे कि एक ही मैच है तो वो भी लग ऐसा रहे। अल्लाह करे कि कुछ पॉजिटिव हो, लेकिन लग नहीं रहा। अच्छा, उसके बाद फिर वनडे टीम जो अनाउंस हुई है तो उसमें भी काफ़ी चेंजेस हुए, लाइक जिस तरह हारिस सुहेल आए, तो हारिस सुहेल एक तो वो थोड़ा बहुत इंजरीज थी उसी वजह से वो बाहर हुआ था, लेकिन जब वो बाहर हो रहा था उसने उस टाइम उसने न्यूजीलैंड में बैक टू बैक जो है वो 250 किए थे, और उसकी आलमोस्ट एवरेज जो है वो भी 46 की है। सो उसका अच्छा एक साइन है, मिडल ऑर्डर में हम वैसे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन स्टिल ये देखना है कि आया उसकी फिटनेस उस लेवल है या नहीं, क्योंकि जब से उसने नी का ऑपरेशन किया हुआ है उसके बाद वो स्ट्रगल कर रहे हैं। सो अभी ये देखना है, क्योंकि यो टेस्ट और ये बीप टेस्ट ये अलग चीज़ है, फिर ग्राउंड में 50 ओवर फील्डिंग करना, भागना स्प्रिंट साइड टू साइड, ये चीज़ें वो अलग डिफरेंट है। क्योंकि मुझे खुद आइडिया है, मैं खुद एज ए क्रिकेटर हूँ, मुझे ईजी होता था कि मैं यो टेस्ट वगैरह, लेकिन जब आप ग्राउंड में आते थे तो वो डिफरेंट होता था। फिर फहर जो है वो भी इंजरी के बाद आया हुआ है, तो ये भी देखना है कि भाई वो पूरा रिकवर है या नहीं, क्योंकि उसने भी वनडे कप जो अभी हुआ है पाकिस्तान से उसमें 2-3 मैच खेला हुआ है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए जो नए लड़के ऐड हुए, जिस तरह
तैयब ताहिर है, तो ये एक अच्छा साइन है क्योंकि वो थ्रू आउट जो है वो परफॉर्म करता रहा। फिर उसामा मीर जो है लेग स्पिनर, वो मैं ये कहूँगा कि अल्लकीता शादाब और ये लकीता, क्योंकि अगर शादाब होता फिर ये टीम में ना होते, तो उसामा आ गया शादाब की जगह, तो ये भी एक अच्छा साइन है क्योंकि ऑलरेडी ये भी परफॉर्म करता रहा, स्पेशली अभी जो पाकिस्तान कप हुआ बेस्ट बॉलर बनाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो मिसिंग है मेरे हिसाब से, यहाँ पे अगर अमाद भट्ट और आमिर यामीन में कि दोनों में से अगर एक होता तो उससे ये होता था कि ऑलराउंडर थे। अभी एक तो ये कि उन दोनों ने पाकिस्तान कप में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिए, उसके साथ साथ ये कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं ऑलराउंडर फास्ट बॉलर ऑलराउंडर। फहीम पे हमने बहुत सा टाइम वेस्ट किया लेकिन उसने उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दी। फिर आमिर जमाल को हमने एक चांस दिया और उसके बाद बाहर किया। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अमाद भट्ट और आमिर अमीन में से किसी एक की जगह बनती थी, क्योंकि हम तभी आगे जाएंगे। सारे टीमों को देख ले, इंग्लैंड के पास स्टोक है, ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वो ग्रीन है, पर इंडिया के पास हार्दिक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी कमी होगी। फिर फास्ट बॉलर मेरे हिसाब से जो दानी है, सो उसकी परफॉर्मेंस लाइक वो एक साल पीएसएल में उसने किया, उसके बाद उसकी वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रही। सो अगर दानी की जगह जो है वो ऐड करते आमिर यामीन या अमाद भट्ट तो बेहतर होता, लेकिन सेलेक्टर बेहतर जानते हैं। फिर उसके बाद ओपनर भी अगर आप देख ले कि शान आया है, तो मेरे ख्याल में शान की जगह अगर अब्दुल्ला शफीक होता तो बेहतर होता था, क्योंकि ऑलरेडी वो था वनडे साइड में और उसको खिलाया नहीं है और बाहर हुआ है। तो ये थोड़े बहुत चीज़ें जो है ये देखने वाली है, तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ये मैचेस जो है वो 9, 11 और 13 जनवरी से शुरू हो रहे हैं और तीनों ही कराची में है और इसी विकटों पे है। फिर चल बात कर लेते हैं थोड़ी सी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। दो दिन गुजर गए क्योंकि बैड लाइट की वजह से, पहले दिन भी इतना पूरे ओवर नहीं हुए थे, तो ऑस्ट्रेलिया 475 for 4 और स्मिथ 104 पे आउट हुआ है, उस्मान ख्वाजा स्टिल खड़ा है 195 है। तो यहाँ पे भी साउथ अफ्रीका स्ट्रगल कर रही है, साउथ अफ्रीका यहाँ पे नहीं, साउथ अफ्रीका तो हर जगह जिधर भी जा रही है वो स्ट्रगल कर रही है, जिस तरह वाइड बॉल में वेस्ट इंडीज कर रही है या रेड बॉल में जिम्बाब्वे वगैरह कर रही है। तो साउथ अफ्रीका का भी वही वाला हाल है, या तो वो 8-10 साल जो है वो टेस्ट क्रिकेट पे राज कर रहे थे, या उनकी ये हालत है कि वो ड्रा पे भी खुश होते हैं, जिस तरह हमारी भी यही हालत आने वाली है क्योंकि हम लोग भी ड्रा पे खुश होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर ले, आप लोगों को क्या आ रहा है आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो।